Class 10th exercise 11.1 question number 3. Construct a triangle with side 5 cm, 6 cm and 7 cm and then another triangle whose side are 7 upon 5 of the corresponding side of the first triangle. So इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ फिगर ले लिया ऐसे. ये कह रहा था ए बी सी, ये हमने लेना है 5 cm, ये वाला 6 cm और ये वाला 7 cm. लेकिन इसके बाद कह रहा था कि 7:5, जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो 7:5 बनेगा. तो 7:5 बनाने के लिए क्या करेंगे, जब ये लाइन खींच रहे होंगे इस लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा तक खींच लेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ तक ले लेंगे, इट मीन्स ये एक रेसा ले लेंगे. और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जब ये बनेगा तो ये बी डैश बनेगा और यहाँ से इस वाले बी सी के पैरेलल एक लाइन ऐसे जाना है. तो यहाँ पे इस वाले को भी बढ़ा लेंगे और ये भी एक रेसा बना लेंगे और इस वाले पॉइंट को सी डैश लिख लेंगे. तो लगभग जो है हमारा फिगर ऐसा बनना है. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए बी डैश सी और ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा वो 7:5 हो जाएगा. तो इस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पे बनाते हैं. तो हमने ये स्केल लिया और स्केल से क्या करना है, सबसे पहले एक 5 cm का लाइन लेना है. तो 5 cm नहीं लेंगे हम लोग, क्या करेंगे थोड़ा बड़ा ले लेंगे, है ना. ये यहाँ पे लिया और यहाँ से ये हमने ये लंबा सा ले लिया. तो ये वाला 5 इस वाले पॉइंट पे हमने ऐसे डॉट लगा लिया और यहाँ पे एरो सा ऐसे लगा लेंगे और इस वाले पॉइंट का नाम हमने रखा ए और इस वाले पॉइंट का नाम हम रखते हैं बी. ठीक है, ये हमारे पास 5 cm है. अब क्या करना है, दूसरा हमारे पास ये जो है बी सी 6 cm है. तो ये 6 cm ले लेंगे ऐसे, हमने ये 0 और ये 6 है ना, इसके बीच में ऐसे रखना है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट मिला के रखना है. और बी पॉइंट से ऐसे लेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे. ठीक है, दूसरा यहाँ फिर से 0 पे रखेंगे और इस बार हमें लेना है ये 7 cm. ये हमने 7 ले लिया, ये 0 पे रखेंगे और ये 7 पे, ये हमने 7 cm ले लिया. और अब यहाँ ए पे रखेंगे और इस वाले पॉइंट को ऐसे काटेंगे, ये जहाँ पे कटेगा इसको ए और बी से मिला लेना है. तो हमने ये यहाँ और ये मिला लिया. ठीक है, इसी तरह से इधर वाले को भी मिला लेना है, लेकिन ये लाइन थोड़ा सा बड़ा रखेंगे. हमने ये ले लिया. ठीक है, अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, इस जगह पे फिर एक एक्यूट एंगल बनाना है और ऐसे ए पॉइंट से लिया हमने अब इसके 7 इक्वल टुकड़े कर देने हैं, 7 बराबर हिस्से कर लेने हैं. ठीक है, ध्यान रहे ये बिल्कुल बराबर बराबर लेंगे, हिलाएंगे नहीं इसे लेते समय. ये हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा था तो ये हमने वो कर लिया. अब इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम रखा हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7. कह रहा है 7/5. तो ये जो 5 है, A5 को हम B से मिला लेते हैं, A5 को हम B से मिला लेते हैं.
ठीक है। अब ये B से मिलाने के बाद इस जगह पे ये जो एंगल बनेगा उतने का एंगल यहाँ पर भी बनाना है, इट मीन्स ये A5 और B के पैरेलल A7 से एक लाइन खींचनी है। तो इसको पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना यहाँ एंगल होता है इसको माप लेते हैं ऐसे, ठीक है, बिना आर्क बिना इसको हिलाए, फिर एक यहाँ पर भी ऐसे आर्क ले लेंगे और अब इसको माप लेंगे ऐसे, ये हमने मापा, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल उतने पे एक ऐसे आर्क लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले को ए सेवन और ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को ऐसे लेते हुए ये मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर इस वाले पॉइंट का नाम रखेंगे बी डैश, और इस बी डैश पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है जितना का उतना ही एंगल यहाँ बना लेंगे। तो हमने ये बी पे रखा और फिर से इसको भी ऐसे कर लिया और यहाँ से भी ये लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको माप लेंगे ऐसे, ये हमने माप लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे लेंगे और इस पर एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। अब इस बी को और इस पॉइंट को ऐसे रखते हुए यहाँ से ऐसे इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये वाला इस पॉइंट का नाम सी है और इस वाले पॉइंट का नाम रख देंगे सी डैश, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था वो ट्रायंगल हमारा मिल चुका है, बन गया है, कंस्ट्रक्शन आपके समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आपको इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।